चलिए महफिल की शुरुआत करते हैं और हम चाहते हैं कि ठहाकों की पतंग सबसे पहले जिसके हाथ में आए वो खिलाड़ी है जो बड़ा जबरदस्त मांझा लगता है हाथ में और पेच लड़ाता है। नाम है उनका शकील भारती। जोरदार ताली से स्वागत करें। आज मुझे जिस जगह बिठाया आपने बड़ा अच्छा लगा। वैसे पॉपुलर साहब कह रहे हैं उनकी उम्र है तो अच्छा तो उन्हें लगना चाहिए, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि आपको अच्छा लग रहा था। तो सर इजाजत हो तो सुना दें, आप खास इजाजत दें तो। जी बिल्कुल इजाजत। बड़ा अच्छा लगेगा जी। ये आपके लिए। तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के एक चाय तो पिला दे। क्या बात, बहुत अच्छा कहा आपने। आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन चार मौजू मिसरे हैं मेरे पास आपके लिए, आप कहें तो अता कर दूं? तो चाय पत्ती लेकर आऊं। दिल में ख्याल सारे जमाने के हैं हुजूर। अच्छा। ये प्यार वफा वादे दिखाने के हैं हुजूर, और कहते हैं जिसको प्यार वो किस्मत की चीज है, वरना ये काम जूतियां खाने के हैं हुजूर। और ये जो पेच लड़ गया है भाई मगर नहीं। अरे कोई आज ये फेस्टिवल भी है, पतंग का त्योहार भी। हाँ पॉपुलर साहब। पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहाँ तक नजर गई, थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। हमने जूतियाँ और डंडे बरसा दिए, लेकिन मोहब्बत करना बंद मत कीजिएगा प्लीज। तू मेरी मोहब्बत का इतना तो सिला दे जी, मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के एक चाय तो पिला दे। हाँ। 10 लाख की ले गाड़ी, 10 लाख की ले गाड़ी, आज तुझको मैं दिला दूं, 200 है मेरे पास, बाकी का तू मिला दे। ये दिल है, जितना है देने का भी दिल है। क्या बात है शकील, वाह शेर है। और आपकी खिदमत में ही रखता जाऊंगा। तू दुश्मनों को मेरे महफूज रख खुदाया, वाह, और दोस्तों को सारे नेहा जी से मिला दे। शकील साहब आपकी हालत देखकर मुझे चार मिसरे फिर याद आ गए। जी जी। दिल दे दूं तुमको इसलिए कि खेलते रहो, गम की बीमारी बन के दिल में फैलते रहो, आसान नहीं है इश्क में सोनी को जीतना, ये इश्क का पापड़ है यूं ही बेलते रहो। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लंदन का वलीमा हो गया। ये वलीमा मैं समझा दूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि आम भाषा में रिसेप्शन कहते हैं, उसका जो खाने के बाद जो भोजन होता है, डिनर होता है, वो वलीमे की दावत हो गई। ये चार वो दे रहे हैं, चार ये दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ चंदा मांगने आया हूँ। नए शेर सुना दें। मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब। अच्छा। मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब। अब मैं जनता को बताऊं तो आपको शायद ज्यादा आनंद आएगा। ये बड़े मशहूर शायर हैं जो मेरे भी बड़े अभिन्न मित्र हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी। और राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी ही प्रसिद्ध और खूबसूरत सी गजल है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। तो उसके ऊपर ये गजल कह रहे हैं शकील भाई, सुना। के मारी बेगम लाते घुसा टक्कर वक्कर साहब, टूट गई है हड्डी फसली कंबर वंबर। और यूं शेर होगा के इस्सू पिस्सू अटमल खटमल मच्छर वच्छर साहब। क्या बात है, चूस रहे हैं खून बदन का लीडर वीडर साहब। क्या बात है, वाह 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 वाह, चूस रहे हैं खून बदन का लीडर वीडर साहब। और शेर होगा के पैदा हुआ तो क्या बतलाऊं तुमको के मैं कैसा था, चीख पड़े थे देख के मुझको डॉक्टर वाक्टर साहब। याद करेंगे वो भी मुझको ऐसी मुखबरी उनकी की। अच्छा। याद करेंगे वो भी मुझको ऐसी मुखबरी उनकी की, अंदर हो गए जामिन सिद्धा पंटर वंटर साहब। और 2-3 शेर सुना जी। हैदराबादी जुबान के करीब करीब है, बहुत सुकून से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा जी। दक्षिणी में सुना रहे हैं। हाँ जी जी, क्या बात है। कि पप्पू के अब्बा कितना खा रहे। हाँ, पप्पू के अब्बा कितना खा रहे। ओमा हो, ओमा हो। क्या बात है। ना बोली तो आँख बता रहे। ओमा हो, ओमा हो। हाँ। जब मैं बोली पैसे दो हो पकाने को, सड़ले के जैसे मुंडी घुमा रहे। ओमा हो। किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम। किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम, गले में तलवार घुमा रहे। ओमा हो, ओमा हो। और सारा मुल्क ताली बजा रहा तुम्हारे लिए। ओमा ओ, कितने अच्छे शेर सुना रहे। ओमा ओ भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया शकील। शेर उनके लिए भी था सर। उनके लिए एक शेर बाकी रह गया। कई मरतबा आया हूँ चैनल पे, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ हुआ कि नहीं अब तक, वो मामला उधर से इधर तो रेडी हूँ मैं। जी हाँ, बहुत प्यारा शेर है। आपकी तारीफ में कई महीने लगा दिए मैंने। तेरी लटकती जुल्फे बतला रही है जैसे कोई बकरी न्यूडल खा रही है। बिना पेच के पतंग कट। देखिए नहीं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। नहीं शकील, दिस इज रॉन्ग। शकील आप माइक रख दीजिए। नहीं फिर आप माइक रखिए, आप पहले माइक रखिए। मुझसे तारीफ ऐसी होती है। आप माइक रखिए सर। हाँ नहीं तो नहीं शकील, नहीं मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ में शकील। मैं किसी भी कीमत पे बकरी का अपमान सहन नहीं कर सकता। ये थे शकील भारती जो बहुत बढ़िया शेर सुना रहे थे। लेकिन आइए इस मांझे को सवाल लेके हम बुलाते हैं दिल्ली के ऐसे युवा कवि को जो बड़ा कमाल का है, जिसके पास इनके पास दक्षिणी का टच था, उसके पास पंजाबी का टच है। हमारे साथ है राकेश सोनी। हम जोरदार ताली से स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली से आपके बीच आया हूं, पंजाबी से जुड़ा व्यक्तित्व हूं। पंजाबियों की जब भी बात करें कहते पंजाबियों नाल पंगा नहीं लेना चाहिए। तो शैलेश भाई जैसे ही मैं प्रोग्राम के लिए निकला, वो मेरे एक मित्र हैं पंजाबी, वो मिल गए। पोजी किथे किधर जा रहे हो। मैं कहा यार वो बॉम्बे शूटिंग हैगी। बोले अच्छा वाह क्या बात है। मैं कहा हाँ जी उत्थे ही। ओए होए छुपे रुस्तम। छुपे रुस्तम बुलाया होगा। मैं कहा क्या बात कर रहा है, सीनियर कवि हूँ यार। 15 साल मंचों पे हो गए। ओहो अच्छा ओके, सम्मानित करने के लिए बुलाया होगा। मैं कहा नहीं यार सम्मानित करने के लिए तो शायद नहीं बुलाया, क्योंकि मिसेज वगैरह को वो लोग बुलाते हैं। ओहो अच्छा तू बीच बड़ा है। तो मित्रों छुपा रुस्तम और हमारे सम्मानित कवियों के बीच में हम कुछ बीच वाले कवियों की तरफ से राकेश सोनी आपको प्रणाम करते हैं। क्या बात है, बहुत पंजाबियों की हाजिरी देखिए मित्रों कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए शिमला को जाते हुए डेंजरस पहाड़ियां, घुमावदार मोड़, तंग बड़ी सड़कें थी, आंख मेरी फड़के थी, दिल था ये डोला। मैं ड्राइवर से बोला ना सरदार जी तो डर नहीं लगता। बोले बेटे डर तो तब लगे जब आंखें खुली रखें। डरते तब लगे जब आंखें खुलियां रखिए। जब भी मोड़ आता है आंखें बंद कर लेते हैं, मोड़ कट देते हैं, कट जाए तो वावा नहीं तो गड्डी खाई च। रब उत्ते मिलता प्रभु का साथ है, जोर से कहें वाह वाह क्या बात है। एक वरमाला का दृश्य आपको सौंपता हूं साहब, आप शादियों में अक्सर गए होंगे। वो अक्सर होता है कि वो लड़की बेचारी वरमाला लेके खड़ी होती है और दोस्त उसके दूल्हे के कभी लड़के को इधर कभी उधर, वो बेचारी कभी इधर कभी उधर। आप एक दृश्य का आनंद लीजिए कि वरमाला डलवा रहा था, नखरे दिखला रहा था, लोगों का हंसी मजाक। दूल्हे को किस्मत छल गई, वो आड़ा तिरछा होता रहा, वरमाला पड़ोसी को डल गई। पंडित बोला गजब हो गया, गजब हो गया। पड़ोसी इसको कर रहा था, दूल्हा रो गया। पलट कर रपटा, पड़ोसी पर झपटा, वरमाला निकाली, दुल्हन को संभाली, फिर सीधा खड़ा हो गया सांसें तान कर जैसे खड़ा हो राष्ट्रगान पर। गर्दन को आगे सरकाया, दुल्हन से फरमाया डार्लिंग मोना माला डालो ना। अब दुल्हन मुस्कुराती रही, नजरें चुराती रही। दूल्हे ने गर्दन को और आगे बढ़ाया, हाथ जोड़ गड़गड़ाया, देखो थोड़ा तरस खा लो ना, लोग देख रहे हैं, प्लीज माला डालो ना, माला डालो ना। तब दुल्हन की बारी थी। बोली जब सीधे सीधे माला डाल रही थी तब इतनी उछल कूद क्यों मचा रहे थे। हाँ, सही बात है। खुद भी उछल रहे थे, मुझे भी नचा रहे थे। मैं वरमाला लिए खड़ी थी, मैं सीता थी, आप मेरे रामचंद्र थे, पर क्या यह प्रूव करना जरूरी था आपके पूर्वज बंदर थे। जब पूर्वज शर्मा थे तो शर्माओं की तरह रहते, अपने शर्माओं की तरह शर्माते रहते। तुम तो इंसान हो, सांप देखा है, घर के बाहर कितने बल खाता है, पर अपने बिल में वो भी सीधा ही जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाषण सुनकर दूल्हा इंपेशेंट हो रहा था, पलके भारी थी, रो रहा था, दोनों आंखों को गंगा जमने से सींच लिया। बोला मैं तो आगे आ रहा था, इन कमबख्तों ने पीछे खींच लिया। और ये कल्लूमियां कल कह रहे थे अच्छी नहीं होती घरवाली, आज धक्का देके मेरी वाली से हिमालय डलवा ली। बहुत सी गलतियां हो गई, बाद में गिनाती रहना, चाहो तो पूरी रात भाषण सुनाती रहना। अभी थोड़ा तरस खा लो ना, प्लीज माला डालो ना। क्या बात है। और मित्रों अंतिम दो पंक्तियां देता हूँ कि दूल्हे को रोता देख दुल्हन ने वेटर को बुलाया, नैपकिन उठाया, दूल्हे को पकड़ाया, बोली साफ करो आंखों की नमी, तुम मर्दों में बस यही कमी कि पहले अकड़ना फिर पैर पकड़ना। और मित्रों अंतिम दो पंक्तियां देता हूं। वरमाला डालते हुए बोली मैं तुम्हारे घर की लाज हूं, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूं, मेरा मान रखना वरना इतना ध्यान रखना, पत्नी जब चाहे पति को नचा सकती है, और इस गर्दन पे मत अकड़ना, इसे 2 मिनट में झुका सकती है, इसे 2 मिनट। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।